9th क्लास बेटा, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्रेविटी। यानी कि अगर आपका जो मोशन है बेटा, आपका अंडर ग्रेविटी मोशन है, तो अंडर ग्रेविटी मोशन कैसा होता है बेटा? अंडर ग्रेविटी मोशन होता है बेटा जब हम अप डाउन मोशन करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। क्लियर बात? तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं आपका मोशन विद ग्रेविटी। क्लियर बात? तो ये जो मोशन विद ग्रेविटी है आपका, ठीक है, इसमें जो आपकी इक्वेशन होती है मोशन की, इक्वेशन जो होती है मोशन की, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो इक्वेशन है मोशन की बेटा, वो आपकी चेंज हो जाती है। किस वजह से चेंज हो जाती है? वह है बेटा ये आपका एक्सेलरेशन। क्लियर बात? क्योंकि जब हम अंडर ग्रेविटी मोशन करते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है तो ये एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज होगी ये क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं, और जिसका वैल्यू कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे, जैसे मोशन का इक्वेशन हमारे हिसाब से क्या था, नॉर्मली लीनियर मोशन का v इक्वल्स टू u प्लस at था, सेकंड क्या था बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, और थर्ड अगर हम बात करें तो क्या था बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर बात? तो जहां जहां भी एक्सेलरेशन आपका होगा उसी के प्लेस पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, आपका जो जी है यानी कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उससे आप बेटा इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये आपके लीनियर मोशन की इक्वेशन, और ये किसकी होगी बेटा आपकी अंडर ग्रेविटेशनल जो आपका मोशन होता है जिसको आप फ्री फॉल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर तो जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपका जी, और जहां पे ये s था तो s तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगी बेटा आपकी h, यानी कि s के प्लेस पर क्या जाएगा आपका हाइट h। उसके बाद क्या और भी कोई चेंज होता है? तो बिल्कुल होता है। तो g का वैल्यू है बेटा, g का वैल्यू क्लियर बात, जब आप लोग अपवर्ड मोशन करते हैं यानी कि ऊपर की तरफ को जब जाते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो आपकी स्पीड है वो क्या होती जाती है बेटा आपकी कम होती जाती है, यानी कि रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो रिटार्ड की वजह से जी का वैल्यू यहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ को मोशन करते हैं तो कैसा लेते हैं बेटा आपका नेगेटिव यूज करते हैं, और जैसे ही हम इस मोशन को नीचे की तरफ को यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि स्पीड नीचे की तरफ को क्या होती है आपकी बढ़ती आ जाती है, और जैसे ही ये बढ़ती चलेगी तो ये जी का वैल्यू कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, जब नीचे से ऊपर को जाओगे तो ये माइनस जी से रिप्लेस होगा, और जब आप नीचे ऊपर से सॉरी नीचे की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पे प्लस का जी एक तरीके से यूज होगा। क्लियर बात? इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग करें,